अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भागलपुर में कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शहर के सेंडिस कंपाउंड मैदान में काफी बड़ी तादाद में लोगों ने एकजुट होकर योग अभ्यास किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक भी किया। इस योग अभ्यास में भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल व भागलपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी भी शामिल हुए। देश के हर वासी से हमारा अपील है और हाथ जोड़ी करवत प्रार्थना करे छे देश के हर मानव से, हर जाति से, हर लोग से, हर देशवासी से, हर भारतवासी से कि अगर अपना सनी सब योग में अपना आप का साधिए ताकि न जीवन में कभी बीमार नहीं पड़े, ये बात जरूर छे, योग में ये गुण छे। सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त भागलपुर के नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो हमारा लाइफस्टाइल है इसमें योग को जरूर अपनाना चाहिए और योग से लगभग सारी बीमारियों का समाधान संभव है। और हम लोग यदि कोई मेडिसिंस पे हैं तो उस मेडिसिंस को रिड्यूस करके मिनिमल कर सकते हैं। तो योग को हम सभी को अपनाना चाहिए और योग आपके शरीर की ऊर्जा को काफ़ी बढ़ाता है, सभी लोगों को योग करना चाहिए। निकेश, तो आपको सबको पता है करे रोग योग रहे निरोग, ये सिर्फ नारा नहीं है। आप वास्तविक में अगर योग करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। आप स्वयं उतर के देख लीजिए, तैरना है तो नदी में उतरना पड़ेगा, स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो नियमित योग करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि योग से पूरा आप हमेशा अमर हो जाएंगे, लेकिन ये गारंटी है कि आप जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे और आनंदित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आम लोगों के साथ साथ भागलपुर की महिलाओं ने भी अपना दम दिखाया। काफी बड़ी तादाद में महिलाएं एकजुट होकर लोगों को योग के फायदे के बारे में बताती नजर आईं। मां आनंदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी कई वर्षों से कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ निःशुल्क योग सिखाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रिया सोनी ने समाज को निरोग बनाने के लिए लोगों से रोजाना अपने दिनचर्या में योग को शामिल करने की अपील की। तो आज योगा दिवस के अवसर पर हम लोगों ने कन्या विवाह का आयोजन किया, साथ ही साथ यहाँ माँ आनंदी संस्था की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि जॉगिंग, जंपिंग और स्ट्रेचिंग और भी बहुत सारे होते हैं, क्लैपिंग वर्कआउट, शंखनाद, घंटी एवं ये सारे कार्यक्रम होते हैं जिससे कई तरह की बीमारियां दूर हो रही है, जैसे गेस्टेशन, डाइजेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और भी कई तरह की इंसोमनिया, जिनको नींद नहीं आती है, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर होती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस एरोबिक्स की सबसे बड़ी खास बात है जो ये एक्सरसाइज जो होते हैं ना, ये म्यूजिक के साथ में होता है। अच्छा, म्यूजिक के साथ में प्रेयर होता है और उसके बाद घंटी बजती है, शंख बजती है, तो हमारे मन और मस्तिष्क में एक अलग सा प्रभाव होता है। और जब हमारी बॉडी पूरी तरह से बहुत तरह से खुशहाल महसूस करते हैं तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, कई तरह के हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसमें कि सेरोटोनिन होता है और डोपामाइन होता है, एडोनिन होता है। तो ये कई तरह के हार्मोन है जिसके सिक्रेशन हमारे हेल्दी बॉडी लाइफ के लिए काफी जरूरत है। जैसे हमारे जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है, स्लीपिंग ऑर्डर्स को मेंटेन रखना, ये सारा हार्मोन्स का सिक्रेशन की वजह से ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शहर के सेंडस कंपाउंड में ही दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर का शुभारंभ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के वरीय क्षेत्र प्रबंधक पुरुषोत्तम कुमार घोष ने किया। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाओं के सभी अधिकारी व कर्मचारी सुबह सुबह इस कार्यक्रम के दौरान योग करते नजर आए। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बैंक के कार्यकलाप को देखते हुए सबको शारीरिक रूप से फिट रहने की सलाह दी और कहा कि योग को अपने जीवन में अपनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में शुरू हुआ था, की इच्छा थी कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक प्रोग्राम करें और ये काफ़ी सफल रहा। और योग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में। एक्चुअली क्या होता था कि पहले हम लोग की जो दिनचर्या थी वो काफ़ी अच्छी थी, हमारी महिलाएँ और हमारे पुरुष अलग अलग कार्यों को किया करते थे, लेकिन अब मशीन का ज़माना है, हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, तो योग के माध्यम से हम लोग इसको करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अभी जो हम लोग खाना खाते हैं, रोज़ का जो रूटीन है, तो अगर हम लोग योग करते हैं तो हम लोग उससे बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। आप सभी को पता है कि बहुत सारी बीमारियाँ जो पहले नहीं हुआ करती थी, डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग योग के माध्यम से उसको काफ़ी ठीक कर सकते हैं। और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक परिवार के सारे लोग अभी यहाँ पर, बहुत सारे लोग उपस्थित थे और हम ये चाहते हैं लोगों को बताना और हमारे सारे मित्रों को भी और जो हमारी भागलपुर की टीम है,
चूँकि मेरा बचपन भागलपुर से रहा है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी पोस्टिंग अभी एजीएम के रूप में यहाँ पे हुई है, चंद दिन पहले ही हुई है, कि हम लोग प्रतिदिन योग करें। जैसे ही प्रतिदिन हम लोग सारा काम करते हैं, उसी तरह से प्रतिदिन हम लोग योग के रूप में अपना सुबह की जो शुरुआत है हम लोग योग के माध्यम से करें। डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर वन विभाग ने सुल्तानगंज से लेकर बटेश्वर स्थान तक को डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया है और इस क्षेत्र में कई पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। वन विभाग का साफ तौर पर कहना है कि सुल्तानगंज से बटेश्वर स्थान तक डॉल्फिन अभयारण्य का क्षेत्र है, इसमें कोई भी मछुआरे मछली नहीं मार सकते हैं, न ही जाल फेंक सकते हैं, बंसी भी वो किसी तरह से इसमें नहीं गिरा सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि मछुआरों का जो व्यवसाय मछली मारने का है और मछली मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करने का है, वह अब अगर ऐसा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। वहीं वन विभाग के इस तानाशाही रवैया से तंग आकर मछुआरों ने हल्ला बोल प्रदर्शन कर दिया है और उनका प्रदर्शन भी काफी अनोखा था। सभी कहलगांव बटेश्वर स्थान से लेकर नाव के सहारे बरारी घाट पहुंचे और वहां पर सबों ने एक होकर विशाल नौका जुलूस का आयोजन किया। वन विभाग के अधिकारियों को अपनी परेशानी आकृष्ट करने के लिए यह प्रदर्शन किया गया। उन लोगों की मांगे हैं कि हम लोग गंगा पर ही निर्भर हैं, मछली मारकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। हम लोग 1982 से यह लड़ाई लड़ रहे हैं। जब वन विभाग की मर्जी होती है, हम लोगों को जाल उठाकर लेकर जाना पड़ता है। मारपीट करती है, बेवजह पैसा लेती है, यह कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता है। अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग यह आंदोलन और उग्र करेंगे, क्योंकि हम लोगों का व्यवसाय ही मछली मारकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करना है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि डॉल्फिन अभयारण्य के नाम पर हम मछुआरों पर वन विभाग की पुलिस दबिश डालती है। अभी डॉल्फिन अभयारण्य के नाम पर हम लोगों को परेशान किया जाता है, इससे हम लोगों को मुक्ति दिलाई जाए। ये प्रदर्शन जो है डॉल्फिन अभयारण्य के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन, डॉल्फिन अभयारण्य गलत है। डॉल्फिन अभयारण्य के नाम पर जो है मछुआरों से वन विभाग कर्मी, वन विभाग पैसा वसूलने का काम करती है, जाल लूटने का काम करती है और मुकदमा करने का काम करती है। उनका कहना है कि गंगा नदी में आपका कोई अधिकार नहीं हो रहा है। हम लोग को गंगा मुक्ति आंदोलन के तहत हम लोग को डॉल्फिन अभयारण्य का सेंचुरी लगा दिया गया है, ठीक ना। ये सेंचुरी गंगा में जो लगाने से ये गंगा में स्नान करना या हर चीज़ इसको बाधित होता है और हम लोग को आजीविका है जो कि गंगा पे ही निर्भर है और इसके कारण जो है मछली मारना, प्रशासन आके तंग करना, वन विभाग वाले आके तंग करना, कभी उसको उठा के लेके चले गए, कभी उसको दो डंडा मार दिए, कभी क्या किए, पकड़ने के बाद जो है 1000 टका ले लिए, 500 टका ले लिए, 5000 का मांग कर दिए और बोलते हैं कि आप लोग नाव मतलब गंगा में चलाना नहीं है, अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग को हम जेल में डाल देंगे। कब से यह परेशानी चल रही है? ये परेशानी जो है ये साल डेढ़ साल से खूब चल रही है। ये 1982 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं जबकि लालू के सरकार था, तो लड़ते लड़ते गंगा जी फ्री करवाया पूरा बिहार से लेके बिहार तक में। अभी समस्या यही है कि जाल उठा लेता है नाव पर से, मारने पीटते लगता है, जाल नहीं छीनता है तो जाल उठा के ले जाता है पूरा, अब पैसा मांग करता है। कौन ये सब कार्य करता है? वन विभाग का है सर, परेशानी हो रही है बुद्धू चक में, ये कहानी हो रहा है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो
सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 26वीं प्रसार शिक्षा परिषद की बैठक कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। डॉक्टर सिंह ने अपने अध्यक्ष भाषण में कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 1/3 से ज्यादा वैज्ञानिक सीधे किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और उनके खेतों में जाकर उन्हें कृषि की नई नई तकनीकों से अवगत कराते हैं तथा उनकी कृषि संबंधी व्यावहारिक समस्याओं का निदान भी करते हैं। उन्होंने कहा कि मौसम परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में किसानों से सजीव संपर्क स्थापित करके उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्नत तकनीक उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। डॉक्टर सिंह ने बताया कि आने वाले समय में उद्यानिक फसलों पर ज्यादा बल देना होगा क्योंकि इसी क्षेत्र से कुपोषण की समस्या दूर हो सकती है और हमारे किसानों की आमदनी में गुणात्मक वृद्धि भी होगी। डॉक्टर डीआर सिंह ने फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए किसानों का आह्वान किया और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को सुझाव दिया कि वर्षा आधारित क्षेत्रों समेत संपूर्ण राज्य में खरीफ मौसम की फसलों में विविधता लाना आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अनियमित वर्षा के कारण धान की फसल को नुकसान होता है जबकि मक्का अरहर समेत मोटे अनाज की खेती में जोखिम कम है और ज्यादा लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि खेती के उत्पाद को बाजार व्यवस्था से जोड़कर हमारे किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि बिहार राज्य में आम फसल में बहुत विविधता है जिसे देश विदेश के बाजारों में भेजकर हमारे किसान अपने आमदनी को ऊंची उड़ान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर इसी वर्ष दिसंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय निर्यातक सम्मेलन आयोजित करेगा और बिहार के आम को देश विदेश में निर्यात करने हेतु रणनीति बनाने का प्रयास करेगा। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि बिहार राज्य की उत्पाद विविधता को विश्व फलक पर स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा चिन्हित 54 उत्पादों के GI टैग प्राप्ति हेतु पूर्ण मनोयोग से काम करें और आगामी 3 महीने में इसका फलाफल प्राप्त करने का प्रयास करें। इस मीटिंग में हम आगे के प्रोग्राम किस करते हैं कि आगे हमें इस सीजन में क्या क्या काम करना है, अगले साल काम करना है और इसी काउंसिल में जो टेक्नोलॉजी जो वैराइटीज आती है उसको हम सबके सामने रिलीज करते हैं और फिर उस टेक्नोलॉजी को वैराइटीज को किसान के खेत पे और अपने फार्म पे उसको हम डिमोस्ट्रेट करते हैं। वो डिमोस्ट्रेशन करके किसान देखता है सीखता है फिर वो नई तकनीक हम किसानों को ट्रांसफर करते हैं। इसी संबंध में आज पूरे दिन भर की चर्चा हो रही है और कई जगह से एक्सपर्ट्स भी आए हैं उनकी भी हम बात सुनते हैं। साथ साथ जो पिछले वर्ष जो हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है उनको हम प्रेजेंटेशन देते हैं कि कितना काम जो दिया गया था कितना काम उन्होंने कर लिया है और उससे और आगे हमें इस साल का टारगेट हम लोग टारगेट देकर के हम लोग काम करते हैं और ये सिर्फ पूरा किसानों के लिए है जो भी टेक्नोलॉजी है जो भी वैराइटीज है हम लोग किसानों के करते हैं क्योंकि कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज उसके अनुसार हमें किसानों की मांग के अनुसार किसानों के समस्या के अनुसार लोकलाइज प्रॉब्लम जो है लोकल लोकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है उसको हम एक समाहित करके उसमें फिर तकनीक डेवलप कर रहे हैं। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव के पास लोहा पुल पर हथियार के साथ 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। मामला बुधवार की देर रात का है। सभी बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थी जिसकी गुप्त सूचना जगदीशपुर पुलिस को मिली। इसके बाद थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई की गई। टीम में पुलिस अवर निरीक्षक रामचंद्र यादव, दरोगा अमरजीत कुमार सिंह, मुलायम यादव और सुधीर कुमार सिंह को शामिल किया गया था। जैसे ही पुलिस की गाड़ी लोहा पुल के पास पहुंची तीनों बदमाश भागने लगे जिसके बाद पुलिस की टीम ने खदेड़कर सभी को पकड़ लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो मोहम्मद हसनैन के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और बाकी दोनों के पास से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर
थाने लाया गया है। थानाध्यक्ष गणेश कुमार ने बताया कि तीनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, जिसकी सूचना पाकर तीनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही तीनों के आपराधिक इतिहास का भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा बिहार में सरकारी नौकरियों में SC/ST पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने के संबंधित फैसले को खारिज कर दिया है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भागलपुर के समाहरणालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इसको लेकर राजद नेता डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा कि सरकार ने यह आरक्षण अनुपातित आधार पर नहीं किया था। आगे उन्होंने कहा कि जो फैसला हाईकोर्ट ने रद्द किया है, उस फैसला पर जल्द से जल्द पुनः हाईकोर्ट सुनवाई करे, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। यशवी जी के पहल पर बिहार में जातिगत गणना करवाते हुए सभी जातियों को संख्यानुपात में हिस्सेदारी देने का कार्य किया गया था और सवर्णों के आरक्षण को मिलाकर के कुल 75% हम लोगों को आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन समाज के आरक्षण विरोधी तत्वों के द्वारा, पिछड़ा दलित विरोधी तत्वों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर करके उनको गुमराह करके इस चीजों को, हमारे आरक्षण को रद्द करवाने का कार्य किया गया। जो हमको आरक्षण बढ़ा करके दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। इसी के खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि हमें अविलंब संख्यानुपात में हिस्सेदारी दी जाए, हमें जो आरक्षण दिया गया था जिसको रद्द किया गया था उसे पुनः बहाल किया जाए। कल जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है और ये जो आरक्षण जो है 65% आरक्षण को जो खत्म कर दिया गया है, इसके विरोध में आज हम लोग जो है जजमेंट का कॉपी जो है जलाने का काम किया है और हम लोगों का मांग है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो है दोनों कोर्ट के खिलाफ में जो है जाने का काम करे, यही हम लोगों का मांग है। भागलपुर के जिला परिषद सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार यादव की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई तरह की योजनाओं के बारे में सभी जिला परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा की गई। जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार ने कहा कि पिछले कई महीनों से जिला परिषद का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। अब जिला परिषद के सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र में विकास का रूपरेखा तैयार करेंगे और विचार विमर्श करने के बाद उस पर काम भी शुरू होगा। अब जनता को किसी तरह का विकास को लेकर सोचना नहीं है। आज की इस बैठक में जिले के सभी जिला परिषद के सदस्य मौजूद रहे। सामान्य बोर्ड की बैठक में सभी हमारे जिला परिषद सदस्यगण आए और भी सारा पदाधिकारी जो हमारे कार्य क्षेत्र में आते हैं, विकास के लाभ के लिए जो जनता के हित में काम, सभी पदाधिकारीगण आए। सभी पदाधिकारीगण से भी चर्चाएं हुई, विकास की योजना सारा उस पर भी चर्चाएं हुई और शांतिपूर्ण तरीके से इस सामान्य बोर्ड की बैठक का आज बैठक संपन्न हुआ। कुछ ऐसे जगह हैं जो अनियमितता पाई, जिसमें कुछ शिक्षा विभाग हैं, कुछ आपका स्वास्थ्य विभाग भी हैं, PhD हैं, बिजली विभाग हैं, इन सबों में कुछ ना कुछ अनियमितता पाई गई है जो हम लोग अपने क्षेत्र में जा करके पार्षदों के सहयोग से हम लोग उसका निरीक्षण करेंगे, अनुसरण करेंगे, जहाँ त्रुटियाँ और होगा उस पर सुधार करने के लिए हम लोग उससे आग्रह करेंगे कि आप लोग सुधार करके जनहित के लिए काम करें। भागलपुर में पिछले दिनों जोगसर थाना क्षेत्र के दीपनगर मोहल्ले में काजल देवी के हत्या के विरोध में और हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर माले कार्यकर्ताओं ने जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि मृतक काजल देवी के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, साथ ही मृतका के छोटे बच्चों की परवरिश हेतु सरकार के द्वारा उचित मुआवजा दिया जाए। माले कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक हम लोगों का ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। जानते हैं कि इसी महीना के 16 जून को दीपनगर वार्ड नंबर 21 में जो बरसों से सीलिंग वाली जमीन पर घर बना करके रह रही थी काजल देवी और भी सैकड़ों परिवार उसमें है, लेकिन काजल देवी क्योंकि इस लड़ाई लड़ रही थी तो भूमाफिया और सामंती गुंडा मिलकर के उनके साथ बदसलूकी किया, बलात्कार की घटना किया और निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या करके घर में लटकाने का काम किया गया। लेकिन अभी तक जो जिला का प्रशासन है इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं किया है, जो बहुत ही निंदनीय बात है। जो पोस्टमार्टम किया गया उसका रिपोर्ट भी अभी तक उनके परिजन को नहीं दिया गया है। आप सुने होंगे कि मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर 100 से अधिक महिला के साथ यौन शोषण हुआ। उससे पहले बालिका सुरक्षा गृह में बच्चियों को नशा देकर के बलात्कार करवाया गया। तो ये सरकार महिला के साथ अपमान कर रही है, सिर्फ महिला का वोट लेना है। नारी वंदना के नाम पर कह रहा है कि जो हम आरक्षण देते हैं,
लेकिन कहीं भी महिला आगे नहीं जा रही है। यही हम लोगों का मांग है और इसके लिए लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। पिछले दिनों भागलपुर के गौराडी थाना क्षेत्र के सुमेश मंडल हत्याकांड में हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ के दौरान पुलिस के द्वारा अमानवीय व्यवहार करने को लेकर जदयू के प्रदेश महासचिव शुभानंद मुकेश भागलपुर जिलाधिकारी कार्यालय में जिला पदाधिकारी से मिले। इस दौरान शुभानंद मुकेश ने कहा कि जिस तरह महादलितों के साथ पुलिस के द्वारा व्यवहार किया गया है यह काफी चिंतनीय है। हम वरीय पुलिस अधीक्षक से भी मांग करते हैं कि इस तरह के दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की उनसे मांग करेंगे। हम आपको बता दें कि इस मामले में गौराडी थाना अध्यक्ष शांता सुमन को पद से हटा दिया गया है, साथ ही दो दारोगा को भी वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया है। आज मैं जो गौराडी में घटना हुई थी और पुलिसिया कार्रवाई जो कुछ हमारे दलित भाइयों के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है, उनसे मिलने आज मैं गया था और पुलिस की बर्बरता को आज जो मैंने देखा सचमुच में दिल रो रहा था कि इस तरह की बर्बरता कैसे कोई कर सकता है और ऐसे गरीब मजदूर लोगों पर बर्बरता की गई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो दुख हुआ और मैं यही कहूँगा यहाँ के कप्तान से, या अगर इसकी बात होती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ले जाऊँगा कि इसकी जांच हो और दोषी को जिस तरह से ये दुस्साहस इन लोगों ने किया है, बर्खास्तगी के नीचे कुछ नहीं, बर्खास्त इन लोगों को करना चाहिए। और ये इसलिए ज़रूरी है कि समाज में इस तरह के दोबारा ये घटना ना हो सके, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, तो इस तरह का लोग के मन में ये भय रहना चाहिए कि हम जनता के सेवक हैं, जनता के लिए आए हैं और आप उसी को इस बर्बरता, कहीं कोई इन लोग का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं और आप इतनी बर्बरता, थर्ड डिग्री आप अप्लाई कर दीजिएगा, जस्टिफाइड नहीं है। और मैं मांग करूंगा कि हमारे, क्योंकि एसएसपी साहब इस मामले में बड़े संवेदनशील हैं और हमको लगता है कि इस पर न्याय होगा और जो वहाँ पर उपचार दृष्टिकोण से जो जरूरी था उसकी भी मैंने समीक्षा की, कुछ लोगों का एक्सरे हुआ है, उसकी अभी तक डॉक्टरों ने जांच नहीं किया, वो भी मैं देख लिया है, डॉक्टरों को आग्रह कर दिया है। तो देखिए स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि गरीब आदमी है, रोज मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं और उसको अगर 10 दिन उसका घर कैसे चल रहा होगा, मुझे नहीं लगता है, बड़ी कठिनाई से वो लोग गुजर रहे हैं।